हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉक नीट। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन के अंदर। मैं हूं बायोलॉजी फैकल्टी, बायोलॉजी मेंटर, आप लोगों की प्यारी पूजा मैम, डॉक्टर पूजा व्यास। यस, PhD इन बॉटनी एंड आई हैव 8 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग लाइन, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। एंड नाउ आई एम गिविंग माई ऑल 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 हम बोल सकते हैं कि एफर्ट्स सभी आप लोगों के लिए, अपनी सेवाएं आप बोल सकते हो, सर्विसेज फॉर यू ऑल, ताकि आप लोग अच्छी तैयारी करें, नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो ऐसी कुछ इच्छा मेरी है कि मेरे इस बैच में से जो मैंने प्रैक्टिस पेपर के लिए 2021 के बच्चों का ये जो सीरीज स्टार्ट किया, यहाँ से बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट हों और बोले कि यस, पूजा मैम ने लास्ट मिनट पे, लास्ट टाइम पे हमारी तैयारी करवाई और वो इतनी शानदार थी कि आज हम नीट क्रैक कर पाए। तो यही यही एक पॉजिटिव सोच के साथ में मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया और यही सीरीज इसी पॉजिटिविटी के साथ में आपको भी सीरीज को फॉलो करना है। तो बच्चा लोग, ये है आपका आज का प्रैक्टिस पेपर जिसमें हम एनिमल हस्बेंड्री, यस एनिमल हस्बेंड्री जो है इस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके हम क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे लेंगे। उससे पहले कुछ ज़रूरी बातचीत। देखिए, ये दिशा बैच है नीट 2023 के लिए। ये इस बैच में स्वाति मैम है, वेद प्रकाश सर है और आपकी प्यारी पूजा मैम है। ये बैच 16 जून से स्टार्ट हो चुका है और अभी इस बैच में हम आज से बायो मॉलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चा लोग, अगर आप लोग चाहते हैं मुझसे पढ़ना और रेगुलर क्लासेस लेना तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आपको इसके लिए प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा और कोड अप्लाई करना होगा व्यास, ताकि आपको 10% डिस्काउंट यहाँ पे मिल सके। बच्चा अभी क्या है, अभी अगर आप 12 मंथ का या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको प्लस 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे फ्री मिलता है। तो अभी राइट टाइम है हमारे साथ जुड़ने का। बच्चा आप लोग आइकॉनिक बैच के साथ में भी जा सकते हैं। आइकॉनिक बैच में आपको स्टडी मटेरियल जो है वो आपको मिलता है। यस, बच्चों की बहुत प्रॉब्लम रहती है, नोट्स उनको नहीं मिलते हैं। तो यस, अगर आप चाहते हैं, अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आइकॉनिक बैच जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, आपके घर पे नोट्स आएंगे। ये देखिए लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर आया है, अगर आप 12 मंथ या फिर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लस 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलता है। देखिए बच्चा, ये है बैच फॉर नीट यूजी 2022 एंड 2023। 2022 में एंथ्यूज बैच, अर्जुन बैच है, 23 में मंजिल बैच एंड विजयभव बैच है। बच्चा आप जिस किसी मेंटर या गाइड के साथ कनेक्टेड फील करते हैं आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। देखिए, ये लिमिटेड टाइम के लिए फिर से एक ऑफर और आया है उन बच्चों के लिए जो 21 के अंदर अपना एग्जाम देने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं तो 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप अभी ले सकते हैं, पर आपको पे करना पड़ेगा कितना, हर महीने 4,500 रुपए। यस, और इसमें आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड अप्लाई करेंगे व्यास, VYAS। ये आपकी प्यारी पूजा मैम का क्या है, ये आपकी प्यारी पूजा मैम का सरनेम है। ठीक है, चलो ये देखिए, अंतिम युद्ध बैच है नीट 2021 के लिए। ये फाइनल रिविजन बैच है, ये फाइनल रिविजन बैच है जिसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है। देखिए, डेली चैप्टर वाइज टेस्ट आपके यहाँ पे लिए जाएंगे मंडे टू सैटरडे। कब, टाइमिंग क्या रहेगा, 8:15 से 9:15, यानी कि रात को। माइक्रो स्केड्यूल बेस्ड लाइव सेशंस होंगे, छोटे छोटे सेशंस रखे जाएंगे जिनमें आपके टॉपिक्स जो है उनको कवर करवाया जाएगा। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होंगे हर संडे को 2 से 5, और वो भी किस पे बेस्ड होंगे, हमारा जो न्यू नीट का पैटर्न है उस पर बेस्ड होंगे। अंतिम युद्ध बैच, ये आपका जो कंक्लूड हम बोल रहे हैं कि बैच है, मॉक टेस्ट है, इसके अंदर आपके लेटेस्ट नीट पैटर्न पे एग्जाम्स होंगे, मॉक टेस्ट जो है वो लिए जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो बेहतरीन हो। तो 21 जुलाई यानी कि आज से ये बैच जो है स्टार्ट होने जा रहा है, आप इन सभी को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए बच्चा लोग, अभी देखिए, अन अकेडमी का प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसका प्राइज मनी जो है वो 11 करोड़ है। ये सभी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसको विन करना तो आपको क्या करना होगा, ये टेस्ट जाके देना होगा 14th and 15th August 2021 के अंदर, बिल्कुल अगस्त के अंदर देना है। चलिए, अगर आप टॉप 2 में रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट ईयर जो कॉलेज है उसकी फीस आपको स्पॉन्सर्ड की जाएगी, और डेली यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, डेली प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं। अगर आप ये जाके देंगे तो बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि आप आईपैड जो है उसको जीत सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल के लिए, ये 20 जुलाई को यानी कि कल आपका फुल सिलेबस 10th के बायोलॉजी का क्विज था जिसमें 30 मिनट में 30 क्वेश्चन आपको करने थे। ये हमेशा
एवरी डे 7 PM पे होता है, और ये इसका वेबसाइट है जिसपे जाके आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। बच्चा ये लिंक है वेबसाइट का, जहाँ पे आपको जाके सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट भी यहाँ पे होगा, प्रैक्टिस टेस्ट भी हो रहे हैं, तो इस लिंक को आप अपने पास रख लीजिए और जाकर ये एग्ज़ाम दीजिए। कोड वहाँ पर अपने आपको एनरोल करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, व्यास VYAS, फ्री में आपको ये एग्ज़ाम देना अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है। तो ये थी ज़रूरी जानकारी बिल्कुल। इसके अलावा देखिए नीट मेगा कॉम्बैक, ये देखिए स्कॉलरशिप आपको मिल रही है कितनी, 4 करोड़ की, बाप रे बाप। अब सोचो सोचो, और देखो ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, ठीक है, ये किसके लिए है, फॉर क्लास 11th 12th एंड जो भी ड्रॉपर बच्चे हैं उनके लिए। आपको 60 मिनट के अंदर देखो क्वेश्चंस करने होंगे, राइट है, 28 क्वेश्चन। ये 25th जुलाई को सुबह 11 बजे ये टेस्ट होना है। आप इसे जाके दे सकते हो, इसमें भी बहुत सारे प्राइजेस हैं, एंड्रॉयड ऐप ओनली। चलिए अनअकैडमी कॉम्बैक्ट ये आपको जाके अगर देना है तो ये इसमें प्राइज मनी जो है वो रैंक आपकी 1 to 5th के लिए 1 ईयर नीट UG प्लस सब्सक्रिप्शन है, 4 to 10 के लिए 75% स्कॉलरशिप है, 11 to 15 के लिए 50% स्कॉलरशिप है, और 51 से लेकर 200 बच्चों के लिए 25% स्कॉलरशिप है। सोचिए 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 कितना शानदार मौका है अनअकैडमी से जुड़ने का, तो बिल्कुल आप जुड़ जाइए अनअकैडमी से, जिस तरीके से भी आप जुड़ना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्विज। एवरीवन, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं सभी रेडी हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ये पूरा जो भी टॉपिक होगा ये पूरा केवल एनिमल हस्बेंड्री को आज का सेशन जो है वो कवर करेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे बच्चा 50 है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 50। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुदुर हेलो बच्चा, कौशल हेलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, आंसर कीजिए। द ब्रीडिंग कैरिड आउट बिटवीन एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, बोथ ए एंड बी। चलिए फटाफट से मुझे आंसर कीजिए। निशी का आंसर आ गया है। निशी बहुत बहुत स्पैम कर रहे हैं, फटाफट फटाफट से मुझे, मैंने देख लिया है। अनम का भी राइट आंसर आया है, बट देखो निशी आपका रॉन्ग आंसर है, अनम ने राइट आंसर किया। यस, राइट आंसर क्या होगा, क्रॉस ब्रीडिंग। हमने क्या बोला है कि ब्रीडिंग हम करवा रहे हैं, लेकिन किसके बीच में करवा रहे हैं, ऑफ डिफरेंट ब्रीड। जब डिफरेंट ब्रीड के बीच में करवाओगे तो उसको क्या बोला जाएगा, क्रॉस ब्रीडिंग बोला जाएगा। यस, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वेरी गुड पुदुर। चलो नेक्स्ट बताओ, फिल अप द ब्लैंक बाय द सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन इन क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग से रिलेटेड बताना है आपको। डैश ऑफ वन ब्रीड आर मेड विद द डैश ऑफ अनदर ब्रीड, अब आपको बताना है इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका। सुपीरियर मेल को नॉर्मल फीमेल के साथ में, नॉर्मल मेल को सुपीरियर फीमेल के साथ में, नॉर्मल मेल को नॉर्मल फीमेल के साथ में, सुपीरियर मेल को सुपीरियर फीमेल के साथ में। देखिए क्रॉस ब्रीडिंग नॉर्मली हम क्यों करवाते हैं, करवाने का मेन रीजन यही होता है कि हम चाहते हैं कि जो प्रोजेनी हमें मिले उस प्रोजेनी के अंदर हमारे डिजायर करेक्टर वाले जीन आ जाए, ताकि वो हमें हमारे अकॉर्डिंग जो हमें प्रोडक्ट उनसे चाहिए वो हमें मिल सके, राइट। हमें चाहिए डिजायर जीन उनमें प्रेजेंट हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम चूज करते हैं पेरेंट, और वो पेरेंट हमेशा कैसे होते हैं, वो हमेशा सुपीरियर हम चूज करते हैं। तो सुपीरियर मेल लेंगे हम एक ब्रीड का, और दूसरी ब्रीड का हम सुपीरियर फीमेल लेंगे, उसके बीच में हम करवाएंगे क्रॉस ब्रीडिंग। तो राइट आंसर निशी, वेरी गुड निशी, स्पैम मत करो बच्चा। यस पुदुर, राइट आंसर है, वेरी गुड अनम, वेरी गुड कौशल, वेरी गुड, राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग, इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल जो है वो क्रॉस ब्रीडिंग का है। म्यूल, हिल्सा, हिजार्डले एंड सहीवाल, क्रॉस ब्रीडिंग का कौन सा एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर है 3। चलिए बताएंगे पुदुर, म्यूल, हिल्सा, हिजार्डले एंड सहीवाल। यस निशी, राइट आंसर है, वेरी गुड। नीरज आपका भी राइट आंसर है, कौशल आपका भी राइट आंसर है, वेरी गुड। सुमन तुम्हारा भी राइट आंसर है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिजार्डले, वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ, हिजार्डले इज ए न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड इन पंजाब बाय क्रॉसिंग, किसके बीच में क्रॉस करवाया जाता है, मरीनो रैम एंड बीकानेरी ईयू, चलिए बताएंगे, असिल रैम एंड व्हाइट लेगोन ईयू, रोडे आइसलैंड रैम एंड व्हाइट लेगहॉर्न ईयू एंड कोचीन रैम एंड गेगूस ईयू। चलो अनाम, सुमन कुमारी, नीरज, निशी, वेरी गुड, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। चलिए बताएंगे
क्वेश्चन नंबर 4, राइट आंसर क्या होगा? यस, बिल्कुल राइट है, मेरिनो रैम एंड बीकानेरी ईयू, इनके बीच में ये क्रॉस करवाया जाता है तब हिजार्ड ले. यस, वेरी गुड. चलिए, भेड़ की नई वेराइटी हमें मिल गई है. नेक्स्ट बताओ, क्रॉसिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज टू प्रोड्यूस ए हाइब्रिड इज कॉल्ड क्रॉसिंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज टू प्रोड्यूस ए हाइब्रिड, इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका. देखो, इसको इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, इसको इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, इंटर वेराइटल, ये इंट्रा वेराइटल, सॉरी इंट्रा वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे. हम इसको क्या बोलेंगे, हमने दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में करवाया है क्रॉस और उससे हमें हाइब्रिड मिला है, तो इसको क्या बोला जाएगा? वेरी गुड, राइट आंसर किया है सुमन, विकास, पुदूर, अनम, नीरज, वेरी गुड. इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में हो रहा है तो इंटर हो गया, दो अलग अलग वेराइटी के बीच में हुआ तो इंटर वेराइटल हो गया. और इंट्रा वेराइटल का मतलब एक ही वेराइटी के, हाँ, एक ही वैरायटी के मेंबर में हो गया, तो राइट आंसर क्या होगा? ए. चलो बताओ, आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन इन्वॉल्व, चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर है 6, सुपर ओव्यूलेशन, सीमन कलेक्शन, एग कलेक्शन, एम्ब्रियो कलेक्शन. आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है 6 के अंदर? वेरी गुड सुमन, पुदुर, वेरी गुड विकास, चलिए बहुत बढ़िया. सीमन कलेक्शन, क्योंकि सीमन जो है उसी को हमें क्या करना है, हाँ, सीमन जो है उसी को हमें क्या करना है, इनसेमिनेट करना है फीमेल की बॉडी के अंदर, तो उसको पहले क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा. यस, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट बताओ, द रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द सेलेक्ट इनकरेक्ट वन. इनकरेक्ट वन जो है वो आपको बताना है. सीमन इज प्रिजर्व्ड फॉर आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन बाय हीटिंग मैटिंग ऑफ एनिमल विद द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन ईदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन इज कॉल्ड आउटक्रॉसिंग. एग्जाम्पल ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज म्यूल. हीनी इज ए हाइब्रिड बिटवीन द फीमेल एस एंड स्टेलाई. क्वेश्चन नंबर 7, स्टेलियन, चलो सुमन कुमारी, अनम, पुदुर, विकास, वेरी गुड. राइट आंसर क्या होगा 7 के लिए? इनकरेक्ट पूछा ना, तो पहला ही आपको गलत दे दिया गया है. सीमन जो होता है ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए प्रिजर्व करते हैं, बट हीट से हम किसी चीज को प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे, राइट? यस सुमन, वेरी गुड. लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखते हैं, बिल्कुल. टेम्परेचर इसका कम रखा जाएगा तभी आप क्या कर सकते हो, इनको स्टोर करके रख सकते हो. तो ये हमें इनकरेक्ट मिल गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए. आर्टिफिशियल ब्रीडिंग ऑफ कैटल इज ब्रॉट अबाउट बाय. आर्टिफिशियल ब्रीडिंग जो है वो कैसे की जाएगी? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू, सुपर ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू, MOET एंड ऑल ऑफ दीस. चलो बताओ, चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 8. यस, MO, सुमन राइट है, अनम, पुदुर राइट है. चलो MOET की फुल फॉर्म लिख दो मुझे चैट बॉक्स में, फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर फुल फॉर्म लिख दो. निशी राइट है, यस, सभी जितने भी मेथड है इन सभी को बिल्कुल यूज में लिया जाएगा, राइट है. चलो बताओ फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर लिखेंगे. मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, यस, वेरी गुड सुमन, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट बताओ. क्वेश्चन नंबर 9, MOET स्टैंड्स फॉर, अभी बताओ. हाँ चलो, मैम ने पहले चेक किया ना. हाँ, अभी लो, क्वेश्चन नंबर 9 सामने आ गया आपके. 9 का राइट आंसर क्या होगा? यस, MOET स्टैंड फॉर, किसके लिए स्टैंड करता है? मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी. यस, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी. निशी, अभी अभी बताया है और आपने क्या कर दिया, फिर से गड़बड़ कर दिया है. अभी देखो, ओवरी लिखा है बी के अंदर, ओव्यूलेशन नहीं लिखा है. इससे पहले ही चैट बॉक्स के अंदर देखो आपने खुद ने ही लिख दिया था मल्टीपल ओव्यूलेशन, राइट? और खुद ही क्या कर रहे हो, रॉन्ग आंसर भी मार्क कर रहे हो. यस, जिस किसी को नहीं मालूम है अब उसे भी पता चल गया. नाउ नेक्स्ट बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन बी फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन? ह्यूमन, हैन, हनी बी एंड एस्केरिस. किसको हम विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो हाँ फॉर्म कर सकते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से बता दो क्या होगा इसका राइट आंसर. यस, हनी बी,
चलिए, इसका कौन सा होता है जिस जो कौन सा हम बोलेंगे मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर कौन है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है, जरूर बताओ फटाफट से। पुदो राइट है, निशी राइट है। चलिए फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। हाँ, इसको पार्थेनोजिनेसिस कहते हैं। राइट बच्चा, पार्थेनोजिनेसिस, वेरी गुड मेल, वेरी गुड। चलो बताओ, द फर्टाइल फीमेल हनी बी इज कॉल्ड, फर्टाइल फीमेल हनी बी जो है उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रोन वर्कर क्वीन किंग। बताओ एनिमल हस्बेंड्री कितना आसान है, अगर यहां से क्वेश्चन इस तरह के आ गए तो हमारी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट से आंसर मार्क करो, क्या होगा इसका राइट आंसर। फीमेल फर्टाइल जो आपकी हनी बी है उसको हम क्या बोलेंगे, क्वीन बोलेंगे। यस, राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेरी गुड। सबसे पहले अनम, सुमन, विकास, राघवना, सिंह, सभी ने राइट आंसर किया है। नेक्स्ट बताओ, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इज इफेक्टिव इन विच ऑफ देम। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग जो है वो किस में इफेक्टिव है, पीसी कल्चर में, सेरी कल्चर में, एपिकल्चर में, या फिर लैक कल्चर में। बताओ, क्वेश्चन नंबर है 12, किसके अंदर इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इफेक्टिव है, जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कौन राइट आंसर करता है सबसे पहले, पीसी कल्चर, सेरी कल्चर, एपिकल्चर, लैक कल्चर, किसके अंदर। नहीं बच्चा, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग जो है दैट इज इफेक्टिव इन पीसी कल्चर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बाकी सब तो इंसेक्ट, ये आपके ऑर्थोपोड्स हैं, पीसी कल्चर के अंदर इफेक्टिव होगी। राइट आंसर ए, वेरी गुड। फिश यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो इज, चलिए बताएंगे, गैम्ब्यूसिया, या फिर हिल्सा एलिसा, या फिर स्कैलोफेगस, या फिर गोल्ड फिश। क्वेश्चन नंबर 13, यस राइट आंसर बताया, वेरी गुड। जो चीजें याद होती है तो वो हम फटाफट से मार्क कर देते हैं। गैम्बूसिया, यस राइट आंसर है 13 के लिए ए, वेरी गुड। फिश जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो के लिए यूज में ली जाती है, वेरी गुड। ए लेक विद एन इनफ्लो ऑफ डोमेस्टिक सीवेज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट मे रिजल्ट इन, इसकी वजह से क्या होगा, ड्राइंग द लेक वेरी सून ड्यू टू एल्गल ब्लूम, एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फिशेज ड्यू टू लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डेथ ऑफ फिशेज ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ एक्वेटिक वेब ऑर्गेनिज्म, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्या होगा अगर किसी एक झील के अंदर डोमेस्टिक सीवेज क्या है, बिल्कुल वो बढ़ जाए, जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट से भरा हुआ है, तो क्या होगा भाई उसमें। यस, क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट अगर उसके अंदर है तो होगा क्या, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, फिशेज की डेथ होने लगेगी। राइट आंसर क्या होगा, सी, 14 के लिए सी, सुमन का, राघवना का, पुदुर का राइट आंसर है, वेरी गुड बच्चा। नेक्स्ट बताओ, सिल्क इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, सेरीकल्चर, एपिकल्चर, पीसी कल्चर, हॉर्टिकल्चर, चलिए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर है 15, फटाफट से आंसर मार्क कर दो। सिल्क इंडस्ट्री, यस वेरी गुड, सेरीकल्चर। अभी इतना बच्चों वाला क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 6th 7th क्लास के अंदर ये पढ़ा दिया जाता है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो आपका सिल्क है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ चलो वेरी गुड, राइट आंसर है आपका। सिल्क इज, सिल्क क्या है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, नन ऑफ द अबो, कौन सा है भाई बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिल्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 भाई, एनिमल हस्बेंड्री, क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे, क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे। ये ओहो, कार्बोहाइड्रेट है, कौन दे रहा है भाई, सुमन। सिल्क क्या है भाई, प्रोटीन, सिल्क जो है वो प्रोटीन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यस अनम राइट है बच्चा। नेक्स्ट बताओ, लैक इज प्रोड्यूस्ड बाय, लैक जो होता है, लाख जो होता है, लाख वो किससे प्रोड्यूस होता है, मेल से, फीमेल से, फार मोर बाय फीमेल देन मेल, एंड मोर बाय मेल देन फीमेल, किससे बनता है ये। क्वेश्चन नंबर 17, चलो मार्क करो, ये आपके टेकार्डिया, टेकार्डिया हम इनको बोलते हैं ना, लाख इंसेक्ट जो होते हैं इनको हम बोलते हैं टेकार्डिया। यस, ये क्या होती हैं, लाख हमें किससे मिलता है, जरा बताओ। फीमेल जो आपके, हम बोलते हैं कि ये लाख जो इंसेक्ट हैं आपके, ये आपके टेकार्डिया हैं, ये फीमेल जो होती है ना, इनकी एब्डोमिनल ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, ये जहां पे पेड़ों पे रहती है ना, वहीं पे उसको सिक्रीट कर देती है। आप उसको क्या करते हो, खुरच के उतार लेते हो, दैट इज लाख। अब वो जिस फॉर्म में हमें मिलता है, दैट इज सी लाख। फिर सी लाख को क्या करते हैं, प्योरीफाई करके लाख जो है वो बनाया जाता है। और अब जो आपकी फीमेल होती है इसी की, ये जो आपकी लेसीफर्स हैं, जो इनको क्या करते हैं, पकड़ते हैं, पकड़ के इनको सुखाते हैं, सुखा के इनको मारते हैं, मार के फिर इनको कूट कूट के ना इनका पाउडर बना लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं, मतलब फीमेल को पकड़ के कूट के मार के तुम उसका पाउडर बना लोगे, और फिर तुम लगाते हो आलता, वो जो आलता लगाया जाता है ना,
कई ऐसे हैं इंडिया के अंदर, ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे वो हम मानते हैं, हमारे ट्रेडिशनली यूज में मानते हैं, वो रेड कलर का में लगाया जाता है, दैट इज आलता। तो वो भी आपका इसी से मिलता है। यस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17th के लिए? 17th के लिए राइट आंसर होगा फीमेल। यस, फीमेल की एब्डोमिनल जो आपकी ग्लैंड होती है उसका सिक्रीशन है ये। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 17th के लिए। नेक्स्ट बताओ, पोल्ट्री इंक्लूड, पोल्ट्री के अंदर क्या इंक्लूड है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, चलो बताओ। फॉर डक टॉर्टोइज टर्की, फॉर डक पीजन टर्टोइज डक, फॉर टॉर्टोइज टर्टल, फॉर डक टर्की एंड पीजन। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 18। यस सुमन, राइट आंसर किया सबसे पहले, सबसे पहले राइट आंसर किया। पोल्ट्री के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? फॉर डक टर्की एंड पीजन्स। यस, इनका देखभाल करना, इनका पालन पोषण करना, ये सब कुछ जो है वो इंक्लूड है। बिल्कुल राइट आंसर है डी, वेरी गुड। अनम विकास, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन डिजीज इन पोल्ट्री, कौन सी कॉमन डिजीज है जो देखने को मिलती है? एनसिफिलाइटिस, या फिर रेनिकेत डिजीज, या फिर कॉलेरा, या फिर टीनियसिस। चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा जो है वो आपको कॉमनली देखने को मिलता है? यस, सुमन ने राइट आंसर किया सबसे पहले, रानीखेत डिजीज। यस, वेरी गुड, राइट आंसर है ऑप्शन बी। एक्सोटिक ब्रीड ऑफ फॉल्स आर, एक्सोटिक ब्रीड जो है वो कौन सी आपको बताना है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट से बता देंगे। अब ये सारी चीजें तो है वो लर्निंग बेस पे है, ये सारी चीजें लर्निंग बेस की है, तो आप सबको याद होना चाहिए एग्जॉटिक ब्रिड जो है फॉल की कौन कौन सी है। और ऐसा क्वेश्चन होता है तो चलो इसमें मैम क्या करती है, बल्ले बल्ले, क्योंकि कोई टेंशन ही नहीं है, सारी जितनी भी है सामने नजर आ रही है, सारी ब्रिड्स जो है वो सभी की सभी क्या है, एग्जॉटिक ब्रिड्स है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। यस, ऑल ऑफ द अबव, अनम विकास सभी ने किया है राइट आंसर। नेक्स्ट बताओ, पर्ल इज प्रोड्यूस बाय द मरीन मोलस्कल सच एज, किससे बनता है? पर्ल, ऑयस्टर एंड म्यूसल्स, पर्ल ऑयस्टर, मरीन म्यूसल्स, फ्रेश वाटर म्यूसल्स एंड अदर बाइवॉल्विया, किससे ये पर्ल जो है वो बनते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, देखो ये पिनकटडा आपने ये आपने पढ़ा होगा उसके अंदर, एनिमल किंगडम के अंदर भी, पर्ल ऑयस्टर के बारे में, कि इनकी जो मेंटल होती है, मेंटल कैविटी, वहां पे अगर कोई बाहर से कोई पैथोजन आ जाता है या फिर कोई भी डस्ट पार्टिकल अगर आ जाता है तो वो क्या होते हैं उसके एपिडर्मिस के अंदर, वो क्या होंगे उसका जो एपिडर्मिस वाला हिस्सा है यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी पैथोजन है या कोई भी डस्ट पार्टिकल है, फिर उसके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की इस तरह से क्या होती है कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट हो जाता है, क्योंकि शेल तो बना ही रहे ना ये बाहर की तरफ, तो वही कैल्शियम कार्बोनेट चारों तरफ से इकट्ठा हो जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम मोती पर्ल जो है वो बोल देते हैं। तो ये किसके अंदर बनता है? तो यहाँ पे लिख ही दिया गया है मरीन वाला, तो लास्ट वाले में आपको फ्रेश वाटर लिखा तो वो तो कहानी लिखने की भी जरूरत नहीं थी। तो पर्ल ऑयस्टर राइट है, ठीक है, उसके साथ में आप बताओ म्यूसेल्स इसके अंदर भी बनेगा। यस, 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट बताओ, सुपर ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन आर मेंट फॉर इंप्रूविंग। सुपर ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन किसके लिए? ह्यूमन रेस के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए, पोल्ट्री के लिए, या फिर प्लांट्स के लिए? क्वेश्चन नंबर है 22, फटाफट से बता दो। 22, यस सुमन, वेरी गुड, लाइफ स्टॉक, वेरी गुड। जो इजी क्वेश्चन होते हैं फटाफट से आंसर आ ही जाने चाहिए। हाँ चलिए बताएंगे, जैफराबड़ी, मुराह, मेहसाना आर ब्रीड्स ऑफ, किसके हैं भैया ये मुराह मेहसाना किसकी ब्रीड है? काउ की, बफेलो की, गॉट की, शिप की? इतना आसान है, ये तो हर कोई बता देगा ये किसकी ब्रीड है। 23, क्वेश्चन नंबर 23, हाँ भाई 20 का आंसर सबने राइट किया है, सुमन, राम, ट्विंकल, राघवन, अनम, पुदुर, सभी ने राइट किया है। यस, निशी, राघवना, ट्विंकल, सभी लोग आंसर मार्क कर रहे हो पर क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है। अब ये तुमने बी आंसर किया है, ये 22 में भी बी था और 23 में भी बी है आपका, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बफेलो। यस, तो आगे क्वेश्चन नंबर लिखो ताकि क्लियर हो। चलो नेक्स्ट बताओ, बेस्ट मिल्क ब्रेड ऑफ कैटल इज, कौन सी है? रेड सिंधी, डियोनी, सहीवाल, कौन सी है भाई? सब बता देंगे। सुमन राइट है, निशी यादव राइट है, वेरी गुड। चलो क्या क्या नाम होते हैं ना, क्या क्या नाम होते हैं इनके, नाम देखो, बेस्ट मिल्क ब्रीड ऑफ, यस राम किशन, अभी तक 23 का ही आंसर कर रहे हैं बच्चे, 23 का आंसर हमारे पास में आ चुका है। सुमन, पुदुर, सुमन, निशी, यस राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट बताओ, विच इज एन एक्सोटिक ब्रीड ऑफ कैटल,
कौन सी है भाई, जर्सी है, राठी है, सहीवाल है, गिर है, कौन सी एग्जॉटिक ब्रीड है कैटल की? क्वेश्चन नंबर 25, फटाफट से बता दो। जर्सी, राठी, सहीवाल, गिर। यस, जर्सी, जर्सी इज द राइट आंसर। सुमन ने राइट किया, वेरी गुड। 25th में एग्जॉटिक ब्रीड है कैटल की है। वॉट इज द रिजल्ट ऑफ मेटिंग बिटवीन मेल हॉर्स एंड फीमेल डंकी? अगर मेल हॉर्स एंड फीमेल डंकी के बीच में मेटिंग कराओगे तो कौन बनेगा? हॉर्स बनेंगे, हीनी, डंकी या फिर म्यूल? क्वेश्चन नंबर है 26। बताओ भाई क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 26। यस, राइट आंसर क्या है? बिल्कुल हीनी। 26 का राइट आंसर क्या होगा? हीनी। चलो नेक्स्ट बताओ। विच इज ए फ्रेश वाटर फिश? इसमें से कौन सी फ्रेश वाटर फिश है? रोहू है, सार्डिन्स है, मैकेरल है या फिर पॉम्फ्रेट है? कौन सी है? 27 नंबर क्वेश्चन, फ्रेश वाटर फिश कौन सी है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 27। यस, ये तो यहां पे भी आता है और एनिमल किंगडम में भी। रोहू, रोहू मछली। द फुट एंड द माउथ डिजीज इन डोमेस्टिक एनिमल कॉज ड्यू टू? किसकी वजह से होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या फिर प्रोटोजोन? 24। क्वेश्चन नंबर 28, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 28। राइट है नितेश, पुदुर, निशी, राघवना, वेरी गुड, राम, सभी का राइट है बच्चा। सुमन, वेरी गुड। फुट एंड माउथ डिजीज जो है वो किसकी वजह से होती है? फुट एंड माउथ, वायरस की वजह से या फंजाई की वजह से? हाँ भाई, देखा देखी में आंसर नहीं करेंगे, देखा देखी में आंसर नहीं करेंगे। सुमन ने किया है फंजाई, राम ने किया है आपका बैक्टीरिया, और देखें अनम ने किया है बैक्टीरिया। फूड एंड माउथ डिजीज, ये अरे यहाँ पे राघवना ने किया है डी। नितेश का आया है नाइट आंसर वायरस। राइट आंसर है ऑप्शन ए। फिश इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय फॉरनर्स इज? लोबियो रोहिता, माइस्टर्स, पॉम्फ्रेट, क्लेरियस। क्वेश्चन नंबर 29। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। फिश इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय फॉरनर्स इज? कौन सी फिश है जो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस की गई है? 29, क्वेश्चन नंबर 29। लेबियो को किया है क्या? नहीं, क्लेरियस, क्लेरियस। नेक्स्ट बताओ। हॉर्मोन एनालॉग यूज फॉर इंड्यूसिंग लैक्टेशन स्टेराइल काउ इज? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, रिलैक्सिन या फिर स्टिल बेस्ट्रो? बताओ। क्वेश्चन नंबर 30। थर्टी के अंदर राइट आंसर यस, द हॉर्मोन जो कि लैक्टेशन के लिए काउ के अंदर, बिल्कुल यूज फॉर इंड्यूसिंग लैक्टेशन इन स्टेराइल काउ के अंदर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेरी गुड। मोहम्मद साहिल ने दिया है सबसे पहले राइट आंसर। सुमन, वेरी गुड। एक्सोटिक ब्रीड ऑफ पोल्ट्री आर? ये कौन सी एक्सोटिक ब्रीड है इनमें से? एक्सोटिक ब्रीड बतानी है, क्वेश्चन नंबर है 31। एक्सोटिक ब्रीड्स बतानी है, इनमें से कौन सी एक्सोटिक ब्रीड है? नितेश, पुदुर, राम, सभी का राइट आंसर है। कॉपी तो नहीं कर रहे हो ना कि पता चले ऊपर वाले ने जो आंसर किया वही? नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं है, मेरे सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छे से रिवाइज किया हुआ है। ये सारा लर्निंग है बच्चा, सारा लर्निंग है। सारी स्पीशीज के नेम हैं, कोई ऐसा कोई समझने वाला नहीं है। एनसीईआरटी के अंदर लाइन दिया गया है, आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, चार्ट बना के आपको ये सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। एक्सॉटिक ब्रीड ऑफ पोल्ट्री आर कौन सी है 31 के लिए? यस अनम, राइट आंसर है, वेरी गुड। व्हाइट लेगोन एंड, राइट आंसर अनम, निशी, राम, वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ। ए सर्टेन टाइप ऑफ ग्रास हैज ए डिप्लॉयड क्रोमोजोम नंबर ऑफ 8, ए सिमिलर स्पीशीज ऑफ ए ग्रास हैज डिप्लॉयड क्रोमोजोम नंबर ऑफ 10। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन द टू स्पीशीज रिजल्ट इन स्टेराइल हाइब्रिड दैट कैन रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, द डिप्लॉयड क्रोमोजोम नंबर ऑफ दीज हाइब्रिड वुड बी? ये जो नया क्रोमोजोम आपका डिप्लॉयड आपका होगा ऑर्गेनिज्म या फिर हाइब्रिड, इसके अंदर क्या है? द डिप्लॉयड क्रोमोजोम नंबर पूछा है। क्वेश्चन नंबर है 32। क्वेश्चन नंबर है 32। बताओ एक जो है आपका ग्रास है, ये देखो डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर जो है वो कितना है? 8। 8 डिप्लॉयड यानी 2n दिया है,
टू एन जो है वो इसके अंदर 8 है, दूसरी जो ग्रास है उसके अंदर 2n की वैल्यू कितनी है, 10 है। अब इन दोनों ने क्या किया, आपस में किया है हाइब्रिडाइजेशन, तो जो रिजल्टेंट होगा, जो आपका हाइब्रिड होगा, उस हाइब्रिड के अंदर डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर जो है वो कितने होंगे, ये आपको बताना है 32 के लिए। यस, तो 32 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, कोई टेंशन ही नहीं है। सुमन, पुदुर, निशी, वेरी गुड। राम, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर हाइब्रिड वेगर, इनमें से कौन सा एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करता वो बताना है। अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस हिट्रोजाइगस आर सुपीरियर टू ईदर पॉसिबल होमोजाइगोट्स, डिजीज कॉजिंग होमोजाइगस रिसेसिव फिनोटाइप फ्रॉम ईदर पेरेंट आर मास्ट इन द हाइब्रिड, ऑफस्प्रिंग फ्रॉम ए हाइब्रिड क्रॉस यूजुअली पॉजेस द बेस्ट ऑफ टू डिजायरेबल पेरेंट इनहेरिटेंटली, हाइब्रिड हैव नो डिलिटेरियस म्यूटेशन। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर है 33, इनमें से कौन सा राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। फर्स्ट में देखो दिया है, अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस हिट्रोजाइगस आर सुपीरियर टू ईदर पॉसिबल होमोजाइगस, हिट्रोजाइगस जो है वो सुपीरियर है जो भी आपका होमोजाइगोट हो सकता है उससे, ठीक है। आपके हाइब्रिड वेगर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाइब्रिड जो होगा वो सुपीरियर होगा, राइट है ये तो। डिजीज कॉजिंग होमोजाइगस रिसेसिव फिनोटाइप फ्रॉम ईदर पेरेंट आर मास्क, तो बिल्कुल हाइब्रिड की वजह से तो हम यही कर रहे हैं ना, रिसेसिव वाले को मास्क कर देंगे अगर जो डिजीज कॉज करता होगा, और हम क्या करेंगे, हमारा डोमिनेंट वाला जो है उसको हाइब्रिड के अंदर क्या करेंगे, शो कर देंगे, तो वो डिजीज जो है वो छुप जाएगी, बिल्कुल राइट है ये भी। ऑफस्प्रिंग फ्रॉम ए हाइब्रिड क्रॉस यूजुअली पॉजेस द बेस्ट ऑफ टू डिजायरेबल पेरेंट, ऐसा ही करवाते हैं, हमारी कोशिश भी यही रहती है अगर हम आर्टिफिशियली करवाएंगे तो, बिल्कुल। तो ए बी एंड सी तीनों ही राइट है, तीनों ही राइट है, तो करेक्ट। देखो, इनहेरेंटली हाइब्रिड हैव नो डिलीटेरियस म्यूटेशन, ऐसा हम क्या बोल रहे हैं कि इसके अंदर किसी चीज की कमी हो, ऐसा नहीं, म्यूटेशन जो होता है ऐसा नहीं कह रहे हम लोग कि हमेशा फॉरवर्ड ही होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये डी जो है ये क्या हो गया, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमें नहीं दे रहा है, ठीक है ना, ये वाला हमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, हमें ये तीनों जो है करेक्ट है, ए बी सी करेक्ट है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, डी इस पे राइट है। तो सब लोगों ने, किसी ने भी राइट आंसर नहीं किया, पुदुर ने अब किया है राइट। ए ग्रुप ऑफ एनिमल विच आर रिलेटेड बाय डिसेंट एंड शेयर मैनी सिमिलरिटी आर रेफर्ड टू एज ब्रीड, रेस, वैरायटी एंड स्पीशीज, हम क्या कहेंगे उसको, ये आपको बताना है। एक ग्रुप है एनिमल का, ठीक है, विच आर रिलेटेड बाय द डिसेंट एंड शेयर मैनी सिमिलरिटी आर रेफर्ड एज, क्या बोलेंगे हम उसको, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिमिलरिटीज है। हाँ, रॉन्ग पूछा गया है, रॉन्ग बता दिया है 34 के अंदर, यस राइट आंसर होगा, हम उसे ब्रीड बोलेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट बताओ, मोर देन 70% ऑफ लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज इन डेनमार्क, इंडिया, चाइना, इंडिया एंड चाइना, बताएंगे, पुदुर राइट है बच्चा, निशी आपका भी राइट है, अनम आपका भी राइट है। चलो पहले 35 का क्वेश्चन का नंबर का आंसर करो, 70% से ज्यादा लाइव स्टॉक पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पे है, सबको बताइए। यस, राइट आंसर क्या है, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना। नेक्स्ट बताओ, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। इन ब्रीडिंग हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन, इनकरेक्ट पूछा है, गलत वाला, ठीक है। इन ब्रीडिंग इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, इन ब्रीडिंग इज एसेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन इफ इन एनी एनिमल्स, इन ब्रीडिंग सेलेक्ट हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर है 36। अब एक बात बताओ, हम क्या करते हैं इन ब्रीडिंग के अंदर, यस राइट आंसर कर दिया सब लोगों ने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबने सॉल्व कर लिया, इसलिए सबका राइट आंसर आया। 36 में राइट आंसर होगा आपका डी, क्योंकि इन ब्रीडिंग से होमोजाइगोसिटी भी डेवलप होती है, प्योर लाइन बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, इन ब्रीडिंग ही करवाते हैं, बिल्कुल। और सुपीरियर जीन जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक्यूमुलेट हो जाए और अनडिजायरेबल जीन एलिमिनेट हो जाए, तो ए बी एंड सी तीनों ही राइट है, इनकरेक्ट पूछा है, डी इनकरेक्ट है। चलो नेक्स्ट बताओ, मैडकाउ डिजीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म विच हैज इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन, फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोड, ये उड़ीसा नीट 2019 का क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन है, बताओ भाई क्या है। मैडकाउ डिजीज जो होती है ना, ये प्रियोन कोज करते हैं, प्रियोन, तो प्रियोन किसको बोलते हैं हम, वो उसका डेफिनेशन देख लो, है ना, उसका डेफिनेशन देख लो 37 में, गलत है बच्चा, राम तुम्हारा गलत है, यस सुमन, पुदुर तुम्हारा राइट आंसर है, अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन जिसको हम प्रियोन कहते हैं। नेक्स्ट बताओ, होमोजाइगस प्योर लाइन इन कैटल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, हमें होमोजाइगस प्योर लाइन कैटल में अगर लाना हो तो कैसे लाएंगे, नीट 2017 का क्वेश्चन है। मैटिंग और अनरिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड, मैटिंग ऑफ ये और नहीं है,
मैटिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट ब्रीड, मैटिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, मैटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड. चलो बताओ मैटिंग किसके बीच में करवाएंगे हम, तब हमें होमोजाइगस प्योर लाइन मिलेगी किसी कैटल की. क्वेश्चन नंबर 38 जरा बताएंगे. यस, अगर आप क्या करवाते हो, मेटिंग करवाते हो रिलेटेड इंडिविजुअल की जो सेम ब्रीड के हैं, तो होमोजाइगस प्योर लाइन जनरेशन हमें मिल सकती है. बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी. ए ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इज, इनमें से कौन सा एक ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है, नीट सेकेंड 2016 का क्वेश्चन है. वन दैट इज एबल टू ब्रीड ऑन इट्स ओन, प्रोड्यूस ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन अमोंग अनरिलेटेड प्लांट्स, नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ऑन काइंड, ऑलवेज होमोजाइगस रिसेसिव इन इट्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. एक ट्रू ब्रीडिंग प्लांट के बारे में बोला गया है. क्वेश्चन नंबर है 39. देखिए ट्रू ब्रीडिंग प्लांट जो होता है उसको हम किसको बोल रहे हैं, वो हम बोलते हैं होमोजाइगस होगा, है ना, और वो अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग जो उसको प्रोड्यूस कर सकता होगा. यस, 39 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट हम उसी को कहते हैं. याद करो मेंडल वाला, कैपिटल टी कैपिटल टी, फिर वो क्या बोल रहा है, वो होमोजाइगस है बिल्कुल, और अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है जब सेल्फ पोलिनेशन कराओगे, है ना. तो राइट आंसर क्या है 39 के लिए, सी. यस, नेक्स्ट बताओ. अमॉन्ग द फॉलोइंग एडिबल फिशेज विच वन इज द मरीन फिश हैविंग रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, मस्टस है, मैंग्रोव है, मरीगला है, और ये कौन सी है भैया, मैकेरल है. नीट सेकेंड 2016 का क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट से बता दो भाई. हाँ क्या है इसका राइट आंसर, वेरी गुड सुमन, राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिच होती है ये मरीन फिश. वेरी गुड, नेक्स्ट बताओ. आउट ब्रीडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज 2015 का क्वेश्चन है. इज ए यूजफुल इन आउट ब्रीडिंग, सॉरी इज ए यूजफुल इन ओवरकमिंग इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, एक्सपोज हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट आर एलिमिनेटेड बाय द सिलेक्शन, हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन, इज यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग प्योर लाइन ऑफ एनिमल. आउट ब्रीडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी क्यों है, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी क्यों है, 41 चलिए बताएंगे. आउटब्रीडिंग हम करवा के क्या करते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करते हैं, राइट. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 41 के लिए, ए. वेरी गुड, सबसे पहले किसने दिया, सुमन ने, निशि ने, राम, अनम, मोहम्मद, नितेश, सबका राइट. नेक्स्ट बताओ. कंपेयर टू ए बल्क सॉरी कंपेयर टू ए बुलॉक इज सॉरी डोसाइल बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोन, लेवल ऑफ ब्लड टेस्टोस्टेरोन, लो लेवल ऑफ एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन इन इट्स ब्लड एंड हाई लेवल ऑफ थायरोक्सिन. 2007 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42. चलो बताओ कंपेयर करेंगे अगर हम, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा ना, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा क्योंकि अगर ये लेवल ज्यादा होता तो ज्यादा उसमें हिंसक प्रवृत्ति आ जाती है. यस, तो 42 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी. यस राइट. चलो, इन क्लोनिंग ऑफ ए कैटल ए फर्टिलाइज्ड एग इज टेकन आउट ऑफ द मदर वॉर्म एंड बाकी के स्टेटमेंट नीचे है. 2007 का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए में दिया है. इन द 8 सेल स्टेज सेल आर सेपरेटेड एंड कल्चर्ड अंटिल स्मॉल एम्ब्रियो आर फॉर्म्ड विच आर इम्प्लांटेड इनटू द वॉर्म ऑफ अदर काउ. ठीक है, इन द 8 सेल स्टेज द इंडिविजुअल सेल आर सेपरेटेड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द फर्दर डेवलपमेंट इन कल्चरल मीडिया. फॉर दिस अप टू 8 आइडेंटिकल ट्विन कैन बी प्रोड्यूस. द एग इज डिवाइडेड इन टू 4 पेयर ऑफ सेल विच आर इम्प्लांटेड इन टू वॉर्म ऑफ अदर काउ. चलो क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ही आसान, थोड़ी देर पहले बच्चों ने चैट बॉक्स में भी लिखा था इसके बारे में. यस, इन 8 सेल स्टेज सेल्स आर सेपरेटेड, कल्चर करेंगे जब तक छोटा एम्ब्रियो ना बन जाए और फिर उसको इम्प्लांट करेंगे. तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 43 के लिए. 44, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्राइज्ड वूल यील्ड पश्मीना ब्रीड इज गॉट शीप क्रॉस, कश्मीर शीप एंड अफगान शीप क्रॉस. चलो बताओ क्वेश्चन नंबर, ये आपका 44 2005 का क्वेश्चन है. चलो बताओ क्या होगा, पश्मीना ब्रीड इतनी. यस, 44 के लिए हाँ भाई राइट आंसर क्या है, सब सब एक दूसरे की चीटिंग करके बता रहे हैं. राइट आंसर है ऑप्शन डी. मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी
टुडे इज इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इंटरफेरॉन वैक्सीन एडिबल प्रोटीन. 2003 का क्वेश्चन है. ये बताओ मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी टुडे इज इन द प्रोडक्शन ऑफ, किसके प्रोडक्शन में. 45 क्वेश्चन नंबर 45 सब लोग बता सकते हैं. मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी टुडे इज इन द प्रोडक्शन ऑफ, किसमें लगे हैं भाई. 45 के लिए राइट आंसर क्या होगा, वैक्सीन. यस उमन राइट आंसर है. 2003 का क्वेश्चन है. इफ ए डिप्लॉयड सेल इज ट्रीटेड विद द कोल्चिसिन देन इट बिकम्स ट्रिप्लॉयड टेट्राप्लॉयड डाइप्लॉयड या फिर मोनोप्लॉयड. कोल्चिसिन क्या है, आपका माइटोसिस जो हो रहा है उसको रोक देगा, रोकने का काम कर रहा है, रोक देगा. तो इससे क्या होगा, आगे सेपरेशन नहीं होगा. हाँ तो क्या हो जाएगा, टेट्राप्लॉयड कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाएगी. बिल्कुल. तो राइट आंसर 46 के लिए क्या होगा, बी. बी इफ ए डिप्लॉयड सेल इज ट्रीटेड विद द कोल्चिसिन. यस अनम राइट है. नेक्स्ट बताओ विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. 2000 का क्वेश्चन है. कौन सा स्टेटमेंट सही है, इंडिका अकेशिया इंडिका है क्या, अकेशिया इंडिका इज लार्जेस्ट वाइल्ड हनी बी. नहीं, एप्स. यस वैक्स इज वेस्ट मटेरियल ऑफ हनी बी. वर्कर्स आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री कास्ट एंड ड्रोन ऑफ हनी बी इज डिप्लॉयड. 2000 का क्वेश्चन है. कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ये आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर है 47. में राइट आंसर किया है अनम ने. यस वर्कर्स आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री, तीनों में सबसे छोटे वर्कर्स हैं. बिल्कुल. लाइफ स्पैन ऑफ वर्कर बी इज कितना होता है, 6 वीक का, 10 हफ्तों का, 10 दिन का या 15 दिन का. 1999 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 48 जरा बताएंगे. लाइफ स्पैन वर्कर बी का कितना लाइफ स्पैन होता है ये आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 48, 6 हफ्तों का लाइफ स्पैन होता है वर्कर बी का. कितने हफ्तों का, 6 हफ्तों का लाइफ स्पैन होता है. राइट आंसर है ऑप्शन ए. टू वीक्स का लाइफ स्पैन होता है ना, 6 हफ्तों का कहां, सॉरी 2 वीक्स का लाइफ स्पैन होता है, सॉरी 15 दिन का. यस yes. राइट आंसर है बच्चा, राइट आंसर है ऑप्शन डी. यस यस क्योंकि 2 हफ्तों का लाइफ स्पैन होता है. राइट आंसर होगा 15 दिन. इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस बाय द कंट्रोल्ड सिलेक्शन ब्रीडिंग बिटवीन इंडिविजुअल विद डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग ऑथेनिक्स यूजेनिक्स एंड नन ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर है 49, 1996 का क्वेश्चन है. 49. इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय द कंट्रोल्ड सिलेक्शन ब्रीडिंग बिटवीन द इंडिविजुअल विद डिजायरेबल कैरेक्टर इज कॉल्ड. आपने क्या किया है, इंप्रूव द ह्यूमन रेस बाय द कंट्रोल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग. कंट्रोल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग बिटवीन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स के बीच में करवाया, इसका मतलब इन ब्रीडिंग हो गया. इन ब्रीडिंग 49 के अंदर राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इन ब्रीडिंग. यस नेक्स्ट बताओ द सिल्क वॉर्म. सिल्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट होता है, सेलेवरी ग्लैंड ऑफ द लार्वा, सेलेवरी ग्लैंड ऑफ द एडल्ट, क्यूटिकल ऑफ द लार्वा, क्यूटिकल ऑफ द एडल्ट. किसका ये आपका प्रोडक्ट है ये आपको बताना है. सिल्क वॉर्म जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करते हो उसको हम बोलते हैं, जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करते हो. क्वेश्चन नंबर 50 राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेलेवरी ग्लैंड ऑफ द लार्वा. यस राइट आंसर होगा ऑप्शन ए. बिल्कुल. तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड.
कल हम करेंगे प्लांट ब्रीडिंग के कुछ क्वेश्चंस, और उसके बाद में कंप्लीट पूरा कंबाइंड चैप्टर जो है उसको हम यहाँ पे करेंगे। तो बच्चा लोग जितनी जितनी ज़्यादा आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर होंगे। तो बेटर क्या है, बेटर ये है कि सिर्फ और सिर्फ अभी कॉन्सेंट्रेट करो MCQs पे, प्लांट ब्रीडिंग का इसके बाद में होगा, और उसके बाद में फिर हम कंप्लीट इसका एक साथ जो है वो हम बोलते हैं कि एक टेस्ट पेपर रख लेंगे। और बाकी वैसे ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, अगर हम इसका कंबाइंड अगर प्लांट ब्रीडिंग का और एनिमल हस्बेंड्री का साथ में ना भी रखें तब भी चलेगा, हम इसके बाद में नया चैप्टर जो है वो भी ले सकते हैं। चलिए बता देंगे। हाँ बच्चा, वैक्स जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट है, उनके लिए वेस्ट है, हमारे लिए काम का है। अच्छा, आपने राइट आंसर दिया है मोहम्मद साहिल, निशी, तन्मय, अनम, फुदुर, सुमन, सभी ने राइट आंसर किया है। अभी देखो एक चीज बताओ, स्ट्रेटजी का कंप्लीट चैप्टर का टेस्ट लेना जरूरी है क्या? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि 50 क्वेश्चन और एक छोटा सा चैप्टर है, उसमें से वापस से रिपीट में सेम क्वेश्चन आएंगे घुमा फिरा के, तो मुझे लगता नहीं है। क्योंकि जैसा कि हम लोग हमारे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चल रहे थे, तो हमने बोला था कि हम इंडिविजुअल चैप्टर का लेंगे एंड देन फिर हम उसके यूनिट का लेंगे। अब स्ट्रेटजी वाला चैप्टर है तो इसके हमने दो टुकड़े कर दिया, एनिमल हस्बेंड्री कर दिया और प्लांट ब्रीडिंग हमने कर दिया। अब इसका एक कंबाइंड टेस्ट लेने की जरूरत है, या फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो ले सकते हैं। निशी कैरियर नहीं, क्या नहीं, पूरी बात तो लिखो चैट बॉक्स के अंदर, पूरी बात लिखो चैट बॉक्स के अंदर। हाँ लो बच्चा लोग, हाँ कल ही कंबाइंड ले लें, कल ही कंबाइंड ले लें, तो प्लांट ब्रीडिंग को अलग से लेने की जरूरत नहीं है, कल कंबाइंड ले लेते हैं। चलिए ठीक है, फिर कल हम कंबाइंड लेते हैं, अनम ये ज़्यादा बेटर है कि कंबाइंड होना ज़्यादा जरूरी है, तो हम पूरे चैप्टर का, फुल चैप्टर का ही कल एक टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, जो पहले बोलेगा उसी की बात मान ली जाएगी, अनम ने पहले बोला अनम की बात मान ली जाएगी। ठीक है, चलिए। लर्निंग ज़्यादा है ना एक्चुअल में, स्पीशीज के नेम ज़्यादा हैं आपको, और ये जितनी भी हम बोलते हैं ना कि टेबल्स वगैरह जो हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कोशिश की थी कि हम ये तीन टुकड़ों में ले, तीन टुकड़ों में इसलिए ताकि आज देखो कितनी सारी स्पीशीज के नाम आपके सामने आए। आपने आंसर किया, आपको याद था, ठीक है। कल आप प्लांट ब्रीडिंग वाला पोर्शन करोगे तो वहां पे आपके पास में फिर खूब सारी लंबी चौड़ी टेबल्स हैं, बहुत सारी चीजें याद करने के लिए, तो एक पूरा दिन मिल जाएगा। फिर एक कंबाइंड अगर हम लोग लेंगे तो क्या होगा, जो 2 दिन आपने तैयारी की है ना उसका पूरा एक साथ रिविजन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जिस स्ट्रेटेजी से मैं चल रही हूँ वही ज्यादा बेटर है। हाँ सब करवाएंगे, सब करवाएंगे। तो बच्चा फिर कल यूँ करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग का ही लेते हैं, और उसके बाद में नेक्स्ट जो हम लेंगे उसमें हम कंबाइंड लेंगे। एक बार हम इसको टाइम देते हैं, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनको हम निकाल सकते हैं, वन डे वन डे वन डे करके हम लोग उसको देख सकते हैं। कुछ ऐसे चैप्टर जहाँ लर्निंग ज़्यादा है तो उनको पूरा टाइम हमें दे देना चाहिए, जैसे ये है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ है, इवोल्यूशन वाला चैप्टर है, वहाँ पे चीज़ें याद भी नहीं रहती और कन्फ्यूज़ भी हम हो जाते हैं। तो बेटर रहेगा हम ऐसा करते हैं कि इनको इंडिविजुअल डे ही देते हैं, ठीक है। हाँ तो फिर उससे क्या होगा, तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। प्रैक्टिस तो बच्चा तुम लोगों ने करनी है, मैंने क्या करना है, हम लोग तो हमारा पूरा साल भर काम कर चुके होते हैं, बाकी भी जो जिन भी मेंटर गाइड को तुम फॉलो कर रहे थे साल भर से वो भी अपना काम कर चुके हैं। अब तो तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें रिवाइज करना है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आ सकती हूँ, क्वेश्चन आपको करवा सकती हूँ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, उसको खुद से ही प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल। चलिए तो भाई, प्लस का सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक बैच के सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग जा सकते हो। प्लस में लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हो। आइकॉनिक बैच में आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस एंड टेस्ट एनालिसिस ये आपको करने को मिलेंगे। तो प्लस का अगर लेना चाहते हो तो आपको कोड अप्लाई करना पड़ेगा व्यास, ताकि 10% डिस्काउंट मिल सके। फॉर द एग्जाम्पल 12 मंथ का अगर आपने लिया तो आपको पर मंथ 2,888 रुपीज पे करने होंगे और उस पर प्लस 10% डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक बैच के लिए जाते हो तो आपको आइकॉनिक बैच के अंदर 18 मंथ के लिए अगर आप लेते हो तो 4,000 पर मंथ पे करना होगा, जिसपे एडिशनल 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट है, हर संडे को होता है। टॉप 3 जो हमारे विनर होते हैं उनको क्या मिलता है, 100% स्कॉलरशिप मिलता है, और 150 जो होते हैं उनको एडिशनल डिस्काउंट। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कोड अप्लाई करना होगा व्यास, VYAS, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।